महानदी आईएएस क्लास में आज आप सभी लोग का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो लास्ट है। हम आज छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनमें कौन कौन से कार्य, मतलब कौन सी जनजाति कौन कौन से काम के लिए जानी जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ की जो जनजातियों पर जो प्रमुख लेखक है, मतलब जो किन किन लेखकों ने किस किस पर कौन सी जनजाति पर पुस्तक लिखी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम आज छत्तीसगढ़ में सबसे पहली जनजाति है आपकी बैगा, बैगा जनजाति। आपका जो बैगा जनजाति है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बैगा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। आप चले जाइए मैकल श्रेणी पर्वत, मतलब आपका कबीरधाम जिला। तो जो सबसे मतलब जो गौण बैग जो गो, ये बैगा किसकी उप जनजाति, गौण की जो उप जनजाति है ना। तो ये जो है ना, ये कौन सा कार्य करते हैं बैगा जनजाति, तो ये मेडिसिन ऑफ गौण। अब ये बैगा जनजाति को मेडिसिन ऑफ गौण क्यों कहते हैं, देखिए इसका एक प्रमुख कारण है कि जो जो बैगा को ना बहुत ज्यादा जो आप जंगली जड़ी बूटी एवं औषधि का ज्ञान होता है, इसलिए इसको मेडिसिन ऑफ गौण कहते हैं। जब भी मतलब जो आपको बैगा, ये मतलब बैगा जो है ना गौण जनजाति का ओझा का कार्य करते हैं, मतलब सीरा यानी झाड़ू का काम करते हैं। जब भी मान ले कि आप आदिवासी समाज में, जैसे गोंड समाज में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उनको बैगा के पास जाते हैं और झाड़ फूक कराते हैं। इससे प्रचलित नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कि झाड़ फूक के द्वारा इसको ठीक किया, लेकिन ये सब अफवाह होता है। लेकिन ये पारंपरिक जनजातीय मान्यता है कि जो बैगा जनजाति को ना मेडिसिन आप गोंड कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को बात। दूसरा है कंवर जनजाति। अब जो कंवर जनजाति है ये आप ऊपर चलिए सरगुजा सरगुजा कोरबा बलरामपुर चले जाइए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जो कंवर जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है, उनका काम है सैन्य कार्य, यानी जो सेना के जो सैन्य कार्य करना ही आपका कंवर जनजाति। उसके बाद है आपका कमार, कमार जनजाति। कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपका कमार जनजाति गरियाबंद धमतरी जिला मैनपुर देवभोग तहसील में पाई जाती है। तो जो कमार जनजाति का जो महत्वपूर्ण काम क्या है भाई, जीवन पानी यापन करने के लिए कुछ तो काम करते हुए कमार जनजाति के। तो इनका जो प्रमुख कार्य है बांस कला शिल्प कला, मतलब जो बांस से बने शिल्प कला का निर्माण करें, एवं टोकरी खिलौने सूपा झुमर टुकी जो भी छत्तीसगढ़ में जो यूज करते हैं ना बांस से बनी, वो सब कमार जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। तो कमार जनजाति क्या है, बांस शिल्प कला के लिए महत्वपूर्ण, मतलब उनके परंपरागत है। अब देखिए अपना हलवा जनजाति, अब हलवा जनजाति कौन सा काम करता है भाई, इस जनजाति के लोग का जो प्रमुख काम क्या होता है, हलवा जनजाति का जो प्रमुख काम होता है वो है आपका कृषि कार्य। लेकिन इसके अलावा जो हलवा जनजाति है ना उन लोग ना चिवड़ा यानी पोहा बनाने का कार्य भी करते हैं। उसके अलावा भतरा जनजाति, भतरा जनजाति आपका कौन सा काम करती है, भतरा जनजाति आपका सेवा कार्य, मतलब ये कृषि कार्य हो गया मासिल। जो भतरा जनजाति ने सेवक का काम करते हैं, लोगों की सेवा करने में ही ये अपनी जनजाति का धर्म मानती है, इसलिए ये भतरा जनजाति को सेवा कार्य करने वाली जनजाति कहा जाता है। उसके बाद है आपका खड़िया, आपका खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति कौन सा काम करती है, मतलब खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढूंढे, ये जैसे कि पुराने समय पुराने मतलब जिस एरिया में रहते थे, मतलब जहाँ आपका ये मतलब खड़े जनजाति निवास करती थी वहां के राजा महाराजाओं के ये पालकी ढोने का, मतलब राज एक पालकी एक प्रकार का होता है ना, इनको बैठा कर पालकी मतलब जैसे कंधे में लेके पालकी ढोने का कार्य ये करते थे। कौन सी जनजाति है आपका, खड़िया जनजाति। उसके बाद कोल जनजाति। अब जो कोल जनजाति ऊपर चली जाए कोरिया सरगुजा बलरामपुर, तो ये जो एरिया है ना गोंडवाना सेल समूह है, तो यहाँ कोयले की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, मात्रा नहीं कोयले का ही भंडार खनन होता है यहाँ। मतलब आपका कोल कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, मतलब कोल जो कोयला खोदने का काम करते हैं, ये कोयला खोदने का काम करते हैं, मतलब जो कोल जनजाति है ना आपका कोयला खोदने का काम करते हैं। कोल समझ में आया, कोल यानी कोल जनजाति के लोग कोयला खोदने का कार्य करते हैं। उसके बाद खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति का क्या काम है, मतलब एक पारंपरिक जनजाति होती है ना, जो पारंपरिक जनजाति कार्य होती है वो आपका मतलब क्या है, खैरवार जनजाति का कत्था निकालने का काम होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पूरी काफी डिटेल से बताया, अगर आप मेरे इस समझना चाहते हो लेक्चर को तो आप पिछले वीडियो में जाके पूरे लेक्चर को देखिए। तो देखिए इन लोगों खैरवार जनजाति के लोग जो प्रमुख काम कार्य क्या होता है, कत्था निकालने का, मतलब खैरवार नामक वृक्ष से कत्था निकालते हैं। ओके कत्था निकालने का काम करते हैं। उसके बाद खड़िया, ये भी वही मतलब पालकी ढोने का, मैंने सॉरी दो दो बार लिख दिया, खड़िया मतलब आपका पालकी ढोने का काम करते हैं। कोरकू, अब कोरकू जनजाति के लोग क्या करते हैं भाई, कोरकू जनजाति के लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं। भूमि खोदने मतलब भूमि से संबंधित जो कुछ भी, मतलब जैसे कि आप कुछ भी भूमि बना रहे हैं, डैम सॉरी डैम तो नहीं, मतलब उस समय छोटे छोटे मतलब कुछ भी हो रहा है जो भूमि है ना, याद रखिए कि भूमि खोदने का काम करते हैं कोरकू जनजाति। उसके बाद अगरिया, ये मोस्ट फेमस अगरिया जनजाति।
मतलब जो अगरिया जनजाति का प्रमुख कार्य, इसे कहते हैं इंजीनियरिंग जनजाति। मतलब मान ले अगर व्यापम तो पूछ सकता है, सीधी पूछ सकता है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे इंजीनियरिंग जनजाति के नाम से जाना जाता है, तो है आपका अगरिया जनजाति। याद रखिएगा अगरिया जनजाति ना, ये लोग क्या करते हैं लोह अयस्क को गलाकर, मतलब अच्छे कुछ भी चीज बना सकते हैं सामान लोह अयस्क का गलाकर, जैसे लोहे चीजें नई नई चीजों का निर्माण करते हैं, तो ये अगरिया जनजाति। उसके बाद आपका पारधी। अब पारधी जनजाति का क्या कार्य है भाई, पारधी जनजाति के लोग का प्रमुख कार्य क्या है पता है आप लोगों को, इन लोगों का प्रमुख कार्य काले पक्षी का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। पारधी जनजाति काले पक्षी का शिकार करते हैं, काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। उसके बाद आपका कंडरा, ये कंडरा, कंडरा जनजाति का क्या काम है, बांस के बर्तन बनाने का कार्य है। मतलब आप जैसे बांस की छोटी छोटी खिलौने हो गए, चुटकी टोकरी सूपा, तो ये जो सभी कार्य ना बांस के बर्तन बनाने से, बर्तन बनाने का काम करते हैं कंडरा जनजाति। इसके अलावा कौन कौन सी जनजाति जो बांस से बने के बांस से बने शिल्प का जो काम करते हैं, वो यहाँ पर कमार, धनवार, बिंगोर, ये जनजातियां भी बांस से बने बर्तनों का, बर्तनों का निर्माण, बर्तनों को बनाने काम करती है। ये आपका कमार जनजाति तो करती ही करती है। इसके अलावा आपका बीरहोर हो गया, धनवार, ये जनजाति भी बांस से बने शिल्पकला के लिए, शिल्पकला का निर्माण करते हैं। शिकारी, उसके बाद शिकारी जनजाति, मतलब शिकारी जनजाति क्या करते हैं, छीन पत्ते से, मतलब छीन के पत्ते से ना चटाई एवं टोकरी बनाने का काम करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी शिकारी जनजाति क्या करते हैं, छीन पत्ते से बने टोकरियों का निर्माण करते हैं, चटाई तरह टोकरी बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, मैंने एक बार बताया था जो आपका ये जनजातियों पर आधारित पुस्तक, मतलब छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों पर आधारित पुस्तक कौन कौन से लेखक ने लिखे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन बारे में फिर से मैं रिवाइज करके आपको अच्छे से बताया। तो सबसे पहले आपका द वेरियर एल्विन, द वेरियर एल्विन ने कौन से पुस्तक में था, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये देखिए द मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक लिखी। और क्या लिखी है आपका, द गौर लिखी, द अगरिया लिखी, फिर द ट्राइबल, सॉरी द अगरिया लिखी, उसके बाद द बैगस, मतलब ये आपका द वेरियर एल्विन ने चार पुस्तकों को का लिखा इन जनजातियों पे। उसके बाद है आपका दया शंकर नाग ने कौन कौन से पुस्तक लिखी, दया शंकर नाग ने लिखी द ट्राइबल इकोनॉमी, समझने की कोशिश कीजिएगा, दया शंकर नाग ने कौन से पुस्तक लिखी, द ट्राइबल इकोनॉमी, समझ में आई इस बात। उसके बाद पीवी नायक ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये पीवी नायक ने द भील जनजाति, कहां पाई जाती है आपका, कोरिया चले जाइए। उसके बाद श्यामा चरण दुबे ने आपका कहा कौन सी पुस्तक लिखी, द कमार ना। उसके बाद एस टी राय ने कौन सी पुस्तक लिखी, द बीरहोर। उसके बाद छठवा आपका जॉर्ज गियर्सन ने कौन सी लिखी, द मारिया गार्ड्स ऑफ बस्तर, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन, याद रखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी आपका, लिखी द मारिया गार्ड्स ऑफ बस्तर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम, जो छत्तीसगढ़ में जनजातियों के क्या क्या कार्य है, पहले आपका जनजाति बैगा को मेडिसिन आप बोर्ड बोलते हैं, कवर को बोलते हैं आपका सैन्य कार्य करने वाले बोलते हैं, कमार को बोलते हैं आपका बांस शिल्प कला बोलते हैं, हलवा को कृषि कार्य और चिवड़ा पोहा बनाने का। अब भतरा जनजाति के लोग आपका क्या सेवा कार्य करते हैं, खड़े जनजाति के लोग पालटी ढोने का काम करते हैं, कोल लोग आपका कोयला खोदने का काम करते हैं, और खैरवाल जनजाति के लोग कत्थे निकालने का काम करते हैं, खड़िया जनजाति के लोग आपका पालटी ढोने के, सॉरी दो बार हो गए, कोरकू जनजाति के लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं, अगरिया जनजाति लोग लोहा गलाकर अयस्क बनाते हैं, उसका उससे नए नए लोहे से औजार बनाते हैं, पारधी जनजाति लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, और कंडरा जनजाति के लोग क्या करते हैं आपका, कंडरा जनजाति के बांस के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, और धनवार बीरहोर कमार जनजाति के लोग भी बांस से बने से बर्तन का बनाने में। उसके बाद शिकारी आपका छीन पत्ती से चटाई तथा टोकरी बनाने का, और जनजातियों पर आधारित पुस्तक है वेरियर एल्विन द मुड़िया एंड देयर घोटू नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद है द गौर, द अगरिया, द बैगास, तो इन सब पुस्तकों किसने लिखी आपका, वेरियर एल्विन ने, समझ में आया बात। दयाशंकर नाग ने क्या लिखी, द ट्राइबल इकोनॉमी। उसके बाद पीवी नायक ने कौन सी पुस्तक लिखी, पीवी नायक ने लिखी आपका द भील, यानी इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, द भील। उसके बाद आपका श्यामा चरण दुबे ने कौन सी पुस्तक लिखी, द कमार, यानी श्यामा चरण दुबे ने कौन सी पुस्तक लिखी, द कमार। उसके बाद आपका पांचवा नंबर एस सी राय,
एस सी राय ने कौन सी पुस्तक लिखी, आपका द बीरहोर नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी, द माड़िया गार्ड्स एंड सॉरी द माड़िया गार्ड्स ऑफ बस्तर। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी, द माड़िया गार्ड्स ऑफ बस्तर। तो देखिए मैंने आज के वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोग को समझाऊं कि जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन कौन से कार्य का परंपरागत कार्य है, और मैंने कुछ पुस्तक तो देखिए आज के हम वीडियो में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप जब भी ना, मेरी तो यही एडवाइस है, हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना, तो देखिए कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है, और जो जी एस सी सेट है आपका, मतलब जो भारत के इतिहास हो गया, छत्तीसगढ़ के इतिहास, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जनजातियां, ये सब मिला के ना टोटल जो छत्तीसगढ़ पे से कितने क्वेश्चन पूछती है, 50 क्वेश्चन। अब हमें ये सब नॉलेज होना चाहिए कि हर चीज के बाद आप छोटी से छोटी चीजों को ना बिल्कुल नेग्लेक्ट ना कीजिए, बल्कि आप जैसे कि आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं तो आपको तुरंत मैं बताता हूँ कि जो एक OMR sheet है, ये जो आप देख रहे हैं ना OMR sheet, इस कलर का होता है, ये इस कलर का होता है OMR sheet। देखिए तो सबसे पहले जब भी आपको OMR sheet मिले तो तुरंत आप उसमें अपना रोल नंबर से बोला भले हड़बड़ी ना करें, अगर हड़बड़ी करेंगे तो अगर आप गलत भर दिए यहाँ ना तो आपका OMR sheet रिजेक्ट हो सकता है। तो आप ना एकदम आराम से बैठिए और आराम से गोला भरिए, जो आप सबसे पहले OMR sheet मिलता है उसमें सबसे पहले आप यही काम कीजिए। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना, कि कई लोग होते हैं कि एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर गोला गोला गोला, तो वैसे करने से ना आपका वक्त भी काफी बर्बाद होता है। तो मेरी एक एडवाइस है कि आप पहले जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले तो सबसे पहले आप प्रश्न पत्र में सॉल्व कीजिए, जो आंसर उसमें ऐसा करके टिक मार करें, और जो अंतिम समय बचता है जैसे कि आपने एक घंटा में कंप्लीट कर लिया, भाई हो सकता है आप ब्रह्म ज्ञानी हो तो आप एक घंटे उसको पूरा कर लिए, उसके बाद अपना OMR sheet में लीजिए और धीरे धीरे से गोला 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 कर, लेकिन ध्यान से कि कभी एक ऑप्शन बी में, जैसे कि ऑप्शन होता है 1 2 3, तो एक ऑप्शन बी, बी का ऑप्शन सी, सी का ऑप्शन डी, ऐसा ना करें, अच्छे ध्यान से देखिए एक आंसर आपको ए बी लगाना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपका जैसे बी आंसर है तो बी, कई बार हम हड़बड़ी में एक आंसर बी, बी का आंसर सी, तो इस तरह से आप जानते हुए भी आपका आंसर गलत रहता है। तो मेरी एक यही एडवाइस है कि जब भी आप OMR से भरे ना, बहुत केयरफुली से भरे। तो आज का देखते हैं हम क्वेश्चन, सबसे पहला समझ में आया आप लोग को बात, दिक्कत यहाँ पर थी कि नए बच्चों को काफी दिक्कत होती है कि हम कैसे क्वेश्चन का अटेम करें, किस तरह से क्वेश्चन को हल करें, या बाकी जो 2-3 अटेम वाले होते हैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा नॉलेज वाले होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मान लो मैं CGPSC से क्वेश्चन उठाता हूँ, अब क्वेश्चन है आपका धनकुल, ये धनकुल गीत कहाँ गाते हैं, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट है बस्तर जिला, फर्स्ट है आपका बस्तर जिला, दूसरा ऑप्शन आपका दे दिया सरगुजा जिला, तीसरा है आपका बिलासपुर, चौथा है आपका रायपुर। देखो आप क्वेश्चन क्या है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं। अब देखिए धनकुल गीत अगर आपने पढ़ा है, इसका सही आंसर बस्तर जिला है, ये बस्तर जिला में गाते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो या आप इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि अगर रिस्क लेना, अगर आप इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आप कैसे जानेंगे, हाँ यार धनकुल गीत तो सरगुजा, अगर आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है कि सरगुजा में जो धनकुल गीत गाते हैं तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। रायपुर में आपने कभी सुना है कि धनकुल गीत गाया था, या कॉमन सेंस लगाइए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अगर आप दो ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं, अगर आपका एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं, मतलब आप कट ऑफ, मतलब आप उस रेंज में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप रिस्क जरूर लीजिए। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आप रायपुर काट, अब बचा आपके पास बस्तर बिलासपुर, या फिर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं यार कि जो प्रधान जाति बिलासपुर पाए थे, हो सकते हैं धनकुल गीत गाते हैं, तो हो सकता है हमें बिलासपुर लगा दिए। तो ठीक है आपका ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, लेकिन आप एकदम आंसर के करीब थी, उसके बाद आप बस्तर, तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में आया कि हाँ यार बस्तर भी होता है, हो सकता है आपका दिमाग आपने बस्तर को लगा दिया, तो आपका यहाँ पे 2 नंबर का इजाफा हुआ ना। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका तो -2,
और एक अंक और काटी जाएंगे, माइनस मार्किंग है। तो इस तरह से आप जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, कई बार हम हड़बड़ी में होते हैं कि धनकुल जिन कहाँ कहते हैं। अब आपको ऑप्शन ए में टिक करना है, गोला भरना है, ये ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ भरना है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे जब भी लास्ट में समय एकदम कम होते हैं, फिर कई लोग बहुत क्वेश्चन बनाते रहते हैं, तो इसमें होता क्या, ए का बी फिर बी का डी, तो इस तरह से हम ऑप्शन भर देते हैं। अब हमको पता रहता है कि जो इसका आंसर ए है उसके बावजूद भी हम गलती करते हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हमारे माइंड में रहता है, कि मतलब हड़बड़ी में जो हमारा माइंड है इधर उधर आवेश, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं और हालत वैसी खराब रहती है भाई कि हमारा प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर भी मेरी एडवाइस है आप लोग एकदम कूल एवं शांत होकर बैठिए, एग्जाम सिर्फ आपका पीटी एग्जाम है। अगर आप जितने ज्यादा अपने माइंड को अपने मतलब अपने कंट्रोल में रखेंगे उतनी अच्छा एग्जाम हाल में काफी अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो धनकुल जी कहाँ गाते हैं, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चीजें काफी बेसिक है, अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये उतनी टफ भी नहीं है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है एकदम इजी है आपका आपका, देखिए बांस गीत कौन सी जनजाति के लोग गाते हैं। बांस गीत हम जनजाति पढ़े हैं ना अभी, बांस गीत कौन गाते हैं। चलिए भाई बताइए, फर्स्ट है आपका देवार जनजाति, दूसरा है आपका बसदेवा, तीसरा है आपका राउत, चौथा है आपका भाट। देखिए अब आपके क्वेश्चन है कि जो बांस जनजाति, आपका जो बांस जनजाति कौन सी जाति के लोग गीत गाते हैं। अब आपको नहीं पता, आपने सुना भी नहीं है, लेकिन आपने कुछ तो पढ़ा है, आपको कुछ तो दिमाग का आइडिया होगा। तो देखिए ये आपने अभी तक कहीं सुना है कि भाट गीत होता क्या है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये किसी राज्य तो होगा गीत, तो हमको नहीं पता हम काट दिए। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचता है, अब देवार जनजाति पर आइए, चलो बस देवा जाति पे आइए, चलो राउत जनजाति पे, चलो ठीक है हम बस देवा। अब हमको कहीं ना कहीं लगता है यार ये जो बांस गीत है ना, हो सकता है बस देवा जनजाति द्वारा हुआ, बस देवा नाम भी देख काफी डीवी लग रहा है, बांस गीत, हाँ तो बांस गीत बस देवा जनजाति, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। अगर आपको पता है दो ऑप्शन एलिमेंट के, अब बचा के पास देवार और राउत गीत, अब इन दोनों में से आपका 50-50 खेलना पड़ेगा। हाँ भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं पता है, अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ना, वरना नहीं पता तो भाई स्किप ही कर दो, ऐसा नहीं है। तो देखो अब देवार देवार जयंती आपने बांस गीत सुना नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। बांस गीत कौन सी जनजाति थी, आपका राउत जनजाति ना, कंफर्म बांस गीत आप कौन सी जनजाति गाती है, आपका राउत। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ क्वेश्चन, हो सकता है अगर मुझसे गलत हो या कुछ मेरे करेक्शन में गलत हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको और अच्छे से क्वेश्चन कर बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पढ़ा है राउत जनजाति बांस गीत गाती है, कौन से अवसर पर गाती है ये मुझे होली के समय ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं। तो आज की वीडियो में इतनी, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अगर कुछ गलती होगी तो हम सुधारेंगे। देखिए एक जो YouTube में पढ़ाने का फायदा यह है कि आपके लिए जो हम समय निकाल रहे हैं, मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ जैसे कि पीटी एग्जाम में होता क्या है आपका, आपको कम से कम 50 क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व कर, तभी कटहब आपको 100 से ऊपर ही रखना है। और इस बेस में आपको देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल सीजीपीएससी क्या रख रही है। आजकल क्या सीजीपीएससी ऐसा ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछती, वो जहां तक हो सके तो उसका कुछ क्वेश्चन वो घुमाती है, कुछ क्वेश्चन को अंदर डिप में आती, और जो कम से कम दो या तीन क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कोई पढ़ेगा, चौथा से पांचवा अटेम्प्ट वाला जो सीजीपीएससी की इंटरव्यू 10 बार भी देख के आया ना, वो एक एजुकेशन तो नहीं बना पाएगा। तो मान लीजिए चलिए आपको 95 क्वेश्चन मिल रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें से आपके जो सभी पुस्तकें हैं, हरिराम पटेल हो, चाहे टूटिया सर का हो, चाहे पटेल सर का हो, चाहे आपका अर्जुना क्लासेस हो, चाहे छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी, आप इतने बुक को तो पढ़ लिए तो आप इजी क्रैक कर लेंगे सीजीपीएससी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।